हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं हम, उत्तराखंड कमिश्नरी की। ठीक है ना, तो तीन कमिश्नरी जो कि अभी हाल ही में काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट रहा था, तो इसको कवर करेंगे। हालांकि कमिश्नरों का कार्यकाल गाइस, उसके लिए हमें भारत उत्तराखंड का इतिहास आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो 1815 से लेकर 1947 तक पूरी डिटेल्स आप कमिश्नरों की, 24 कमिश्नर हुए थे, तो उनकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी हमारे लेक्चर में। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास वाले लेक्चर में वो मिलेंगे। आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उत्तराखंड का इतिहास प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, उसमें वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं गाइज अभी हम कमिश्नरी की, तीन कमिश्नरियों की। स्पेशली जो हाईलाइटेड था गैरसैंण वाला हाईलाइटेड था, तो इसको पूरा डिटेल में देखते हैं गाइज। जो कुमाऊँ है, इस कमिश्नरी का गठन लगभग गाइज, वैसे कुमाऊँ कमिश्नरी के गठन को लेके अपवाद ही है, बिकॉज 1815 में जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज जो है कुमाऊँ कमिश्नरी को मैं सभी को शामिल करके जो है अपना शासन चलाते हैं, गढ़वाल का भी और इधर का भी। ठीक है ना, उधर टिहरी राज जो है सुदर्शन शाह अपना शासन चलाते हैं और अपने शासन को 55वें शासक के रूप में चलाते हैं। टिहरी राजवंश में 6 जो शासक होंगे टिहरी शासक में, सुदर्शन शाह से वो आगे की कहानी भी आप उधर परमार वंश में आप पढ़ लेंगे। उधर उत्तराखंड के इतिहास में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कुमाऊँ में। तो 1815 से या 1839 में जो कमिश्नरी का गठन किया गया एक तरीके से बोल सकते हैं, और 1854 में गए हैलिडबेटन कमिश्नर थे, तो उनके समय में इसका मुख्यालय जो है अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया। पहले कहाँ था, तो पहले था गाइज अल्मोड़ा में ही। ठीक है ना, अच्छा अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज चार ज़िले करके, ऐसा तो नहीं है कुमाऊँ में चार ज़िले आते हैं। कुमाऊँ मंडल में आते हैं 6 ज़िले, 7 आते हैं गढ़वाल मंडल में, लेकिन हमने लिखा है 5 और इधर लिखा है गाइज 4, और ये नया मंडल का नाम दे दिया है गैरसैंण। लेकिन गाइज ये जो है अभी जब ये तीसरा जो मंडल बनाया गया था, ये 4 मार्च 2021 को इसकी घोषणा हुई थी, गैरसैंण नया मंडल जब बनाया गया उसमें 4 ज़िले शामिल किए गए, 2 यहाँ से निकाल लिए गए और 2 यहाँ से निकाल लिए गए थे इन मंडलों से। ठीक है, तो ये 4 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की थी, और उस समय राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। अभी भी बेबी रानी मौर्य हैं, लेकिन ये निर्णय को वापस ले लिया गया है 9 अप्रैल 2021 को, और मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत जी द्वारा ये वापस लिया गया निर्णय है। अब गैरसैंण केवल और केवल नगर पंचायत है, नगर पंचायत पहले भी था, अभी भी नगर पंचायत है, अब ये कोई कमिश्नरी नहीं रहा। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो अब आपको क्या करना है, कुमाऊँ मंडल में भी 6 ज़िले कर लेंगे और गढ़वाल मंडल में कर लेंगे 7, तो 7 और 6 13 ज़िले इस तरीके से हो जाएगा। तो गढ़वाल मंडल का गठन की बात करें तो 1 जनवरी 1969 को हुआ था। ठीक है, और बी गोपाल रेड्डी उस समय राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में ही जो है पहले उत्तराखंड था। उस समय जो है सीएम का पद जो है रिक्त था, क्योंकि राष्ट्रपति शासन चल रहा था। तो उम्मीद है गाइस ये कमिश्नरी का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, इनको हम देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं गाइस उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आए कि, तो ये डाटा 19-20 का है। तो गाइज इसमें जो है ना, इस डाटा में जो है 5.98% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आए गाइज 2,28,295 रुपया हो चुकी है अब। ठीक है ना, इससे पहले 1,91,450 रुपये 2018-19 का ये डाटा था, जो बढ़ गया है 5.98% की वृद्धि हो गई है। अभी गाइज एक हाल ही में नया चर्चा का पॉइंट बना हुआ है देवस्थानम बोर्ड, इसका गठन किया था त्रिवेंद्र सरकार ने 2021 में। इसमें क्या है गाइज, इसके तहत जो चार धाम सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों को इस बोर्ड के अधीन ला दिया गया है। ठीक है ना, अभी इसका काफ़ी विरोध चला है, काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है ये भी। तो देवस्थानम बोर्ड क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
इसके अलावा जो अगला पॉइंट है ये है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर सुविधा देने वाला प्रदेश का जो पहला शैक्षणिक संस्थान है ना, कुमाऊं विश्वविद्यालय 2021 से कर रहा है। इसमें क्या होगा गाइज, इसके तहत प्रमाण पत्रों को खोने की स्थिति में छात्र जो है ना अपने डिग्री और अन्य कागजों को विश्वविद्यालय जो है एक तो जाना नहीं पड़ेगा उन्हें, उसके लिए वो digilocker.gov.in ऐप को अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं और आफ्टर डेट ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इसमें सेव रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, आगे बात करते हैं गाइज। अब घर की पहचान चेलिक नाम, ये एक अभियान है, मेरी बेटी मेरा अभियान का ही एक अंग है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2021 में नैनीताल ज़िले से हो चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत द्वारा ये शुरुआत हुई है। इसके तहत गाइस परिवार की सबसे जो छोटी बेटी है, बेटी के नाम पर घर की पट्टियां बनाई जाएंगी। यानी कि कुल मिला के उद्देश्य क्या है, तो लोक कला अर्पण को संरक्षण देना है और ये काफ़ी अच्छी पहल है गाइज। इसकी शुरुआत नैनीताल ज़िले से हुई है, अभी शुरुआत तो नैनीताल ज़िले में ही इसकी चल भी रही है। आगे बात कर सकते हैं गाइज, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कई साल पहले सूख चुके स्थानीय गदेरे को पुनर्रिचार्ज करने पर उनके प्रयासों की सराहना की है। तो वो हैं गाइस जगदीश कुन्याल, ये जिला बागेश्वर से हैं, इन्होंने पेड़ पौधे रोपकर पुनः रिचार्ज किया उन गदेरों को और जो पानी की किल्लत थी ना वो पानी की किल्लत जो है सब दूर की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है गाइस, कितने साल पुराना जो पानी है वो वापस आ गया जो सूख सूखा था। तो गाइज ये ओवरऑल ऑल जो बात कर रहे थे हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और गाइज ये जो करंट अफेयर है ना यही इतिहास भी बन जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से गाइज ये लेक्चर हो गया कम्प्लीट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं गाइज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइज़।